रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का समय भी बीत गया है। इसके साथ ही चुनावी प्रचार तेज हो गया है, खासकर राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। रायपुर उत्तर सीट से जहां पर बीजेपी के पुरंदर मिश्रा मैदान में हैं, वहीं बीजेपी की ही नेत्री सावित्री जगत निद्री चुनाव मैदान पर कूद पड़ी हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों के मन में परिवर्तन का भाव है। लोग चाहते हैं कांग्रेस को बदलें और बीजेपी को सरकार बनाएं, और प्रत्याशी को तो बहुत जल्दी बदलना चाहते हैं लोग। उनका यदि बस चलता तो आज ही ठप्पा लगा के कर देते, परंतु प्रक्रिया है, उनसे परेशान है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, केवल नमस्ते चौक में नमस्ते करते रहे, तो जनता इस समय चाहती उनको हम नमस्ते कर देंगे। कांग्रेस से उत्तर की दावेदारी कर रहे युवा नेता अजीत कुकरेजा भी अब चुनावी मैदान पर कूद पड़े हैं। वे निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दर्ज किए हैं और उसके बाद से फिर जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो गया है, आपका डोर टू डोर कैंपेनिंग भी शुरू हो गया है। क्या वजह रही कि आपको निर्दलीय मैदान में उतरना पड़े? देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं, फील्ड में काम करना पसंद है हमको। निगम मंडल आयोग लाल बत्ती नहीं चाहिए, जनता के बीच में रहकर काम करना चाहते हैं। लगातार पापा भी 40 साल से पार्टी से जुड़े रहे, उन्होंने भी कोशिश की कि विधानसभा चुनाव लड़े पर मौका नहीं मिला। दो बार से मैं प्रयास कर रहा था, युवा हूं, अभी चुनाव लड़ूंगा, लोगों का काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, इंतजार करते रहूंगा तो 5 साल फिर 10 साल। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनकी इच्छा थी, समाज जितने हैं जो उत्तर विधानसभा में अलग अलग, उनकी इच्छा थी मैं लड़ूं चुनाव। अब जहां जहां मैं जा रहा हूं बहुत समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एक का काम पसंद नहीं आया विधायक का उनको, और दूसरे को जानते नहीं है, तो ये अच्छा हो रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के आला नेताओं ने भी आपसे संपर्क किया होगा, समझाने का प्रयास किया होगा, क्या स्थितियां रही, किस तरह से आप देखिए लगभग सबका फोन आ रहा था, हमारे जितने छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर्स हैं, दिल्ली के भी कुछ लीडर्स हैं, और मैंने बोला मैं आप सब लोगों का बहुत सम्मान करता हूं, पर क्योंकि जन भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, पूरी विधानसभा की जनता चाहती है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उनके साथ कम लोग जुड़ पाते हैं, या फिर वो केवल वोट काटने के हिसाब से ही माना जाता है। आपने जिस तरह से ताल ठोका है, क्या लगता है कि आप जीत कर दिखाएंगे? मैं लगातार इस विधानसभा में 9-10 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, हर समाज के लोगों के बीच में हूँ, मैं इनके लिए नया चेहरा नहीं हूँ, और इनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, और ये जो लोग हैं मैंने कमाए हैं, तो मेरे को पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में 10-12 दिन में हम और अच्छी मेहनत करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लोगों को कितना रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, काम नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन मिला, काम नहीं हुआ, और लगभग यानी उत्कल समाज के लोग नाराज हैं, मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं, कॉलोनी एरिया में लोग नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं एक युवा हूँ मैं तो देख रहे हैं, और मेरे 10 साल का काम इन्होंने देखा है तो भरोसा कर रहे हैं। जातिगत समीकरण भी काफी मायने रखता है, आमतौर पर चुनाव में देखते हैं तो विभिन्न जाति वर्ग है, उनको किस तरह से आप अपने साथ समेट रहे हैं? देखिए, मैं लगातार उत्कल समाज के लोगों के बीच में, छत्तीसगढ़ी समाज के साहू यादव समाज के लोग हैं, चाहे खमाडी का एरिया हो, शंकरनगर का एरिया हो, चाहे WRS का एरिया हो, मैं लगातार इनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके हर कार्यक्रम में मैं आता जाता हूँ, और सब मुझे बड़े बेटा समझते हैं, और बाकी युवा साथी भाई समझते हैं। मुस्लिम समाज में भी मैंने लगातार काम किया है, स्वास्थ्य शिविर लगाया है, तो सब परिचय उनको देने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया तरीके से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे अजीत कुकरेजा जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इन्होंने मेहनत की है लगातार MIC मेंबर के रूप में, नगर निगम के रूप में, और लगातार 2 बार से प्रयास किए हैं कि इनको टिकट मिले लेकिन नहीं मिल पाया, इसलिए इन्हें मजबूरन अब निर्दलीय रूप में मैदान में उतरना पड़ा। और इनका दावा भी है कि जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ये इस विधानसभा से जीत कर दिखाएंगे। हालांकि अब रायपुर उत्तर का विधानसभा का जो चुनाव है काफी दिलचस्प हो गया है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, हालांकि रिजल्ट जो भी आया लेकिन अब जनता के बीच में उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।